चाहे खेत में फसल हो या टेरेस गार्डन में लगी सब्जियां हो, इन सब को सबसे ज़्यादा खतरा पेट्स से होता है। यह आपके अच्छे खासे स्वस्थ फसल को कुछ ही दिन में ख़राब कर देते हैं। आज हम इन्हीं हानिकारक कीड़ों के बारे में जानकारी देंगे। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उसने स्नेल को अपने गार्डन में कभी ना कभी देखा होगा। क्या आप जानते हैं स्नेल आपके पौधे को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? स्नेल बड़े और छोटे आकार के होते हैं और यह पौधे के लगभग हर हिस्से को अपना भोजन बनाते हैं। कई स्नेल मशरूम को भी अपना शिकार बनाते हैं। सो दोस्तों, अपने गार्डन को जितना हो सके सुरक्षित रखें। एपिड्स दोस्तों, ये एक सकिंग पेस्ट है जो आपकी पत्तियों और कोमल टहनियों पर चिपके हुए पाए जाते हैं। यह बहुत धीरे धीरे रेंगता हुआ पौधे से रस चूसता रहता है। यह धूप के समय पत्तियों के पीछे छुपा हुआ रहता है और पत्तों पे अंडे देकर अपनी संख्या को कुछ ही दिनों में काफ़ी बढ़ा देता है और आपके प्लांट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। कैटरपिलर, यह तेज़ी से खाने वाला इंसेक्ट है। बंद गोभी और उसकी अन्य किस्मों को खाकर फसल को ख़राब कर देता है। कैटरपिलर बहुत तरह के होते हैं और कई किस्म के कैटरपिलर को छूने से खुजली होने लगती है। मिलीबग अपने शरीर से सफ़ेद वैक्स निकालते रहते हैं। वह टहनी से चिपक कर उसके स्टेम को चूसते रहते हैं। जब किसी पौधे पर इनका बहुत भयंकर हमला हो जाता है तो टहनी कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है।